नमस्कार दोस्तों, प्रेपिंडिया में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये रीजनिंग सेक्शन से पज़ल नंबर 25 है और ये एक मॉडरेट लेवल का सवाल है जो कि काफ़ी अच्छा सवाल है। इससे पहले मैंने पज़ल्स की काफ़ी वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। और ये जो पज़ल है ये आपके जो एग्ज़ाम्स यहाँ दिए गए इसमें यूज़फुल हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि आपने हमारा चैनल प्रेपिंडिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, सेवन पीपल नेमली बी सी डी ई एफ जी एच। तो सात लोग हैं जो यहाँ दिए गए हैं, हैव टू अटेंड ए वर्कशॉप बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इनको एक वर्कशॉप अटेंड करना है बट जिस ऑर्डर में दिए गए हैं इस ऑर्डर में वो नहीं अटेंड कर रहे हैं। इन सेवन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द सेम ईयर, नेमली जनवरी मार्च अप्रैल जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर एंड दिसंबर। और इन सात महीनों में अटेंड करना है जो यहाँ पे दिए गए हैं, जैन मार्च अप्रैल। तो ये भी जो जिस तरह से मंथ ऑर्डर में आते हैं जैन फेब मार्च, उस तरह से नहीं है, स्किप कर गया है जैन मार्च अप्रैल जुलाई अगस्त सितंबर एंड दिसंबर। ईच ऑफ देम आल्सो लाइक्स अ डिफरेंट बैंक, नेमली कैनरा, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, पीएनबी एंड यस। और उन सात लोगों को ये अलग अलग बैंक्स पसंद हैं जो यहाँ दिए गए हैं, कैनरा, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, पीएनबी एंड यस बैंक। और जिस ऑर्डर में दिए गए हैं उस ऑर्डर में पसंद नहीं है। तो किसको क्या पसंद है और कौन जो वर्कशॉप अटेंड करता है किस मंथ में, वो हमें पता करना है। और यहाँ से हमारी जो कंडीशंस चालू हो जाती है जिस कंडीशंस को हमें यूज़ करके पज़ल को सॉल्व करना है। तो पहली कंडीशन पढ़ते हैं, द वन हु लाइक्स एक्सेस विल अटेंड ए वर्कशॉप इन द मंथ विच हैज़ लेस देन 31 डेज। तो यहाँ हम कंडीशन लिख देते हैं कि जिसको एक्सेस पसंद है वो लेस देन 31 डेज में अटेंड करता है वर्कशॉप। तो 31 डेज में ऊपर दिए गए मंथ हैं वो कौन कौन से आएंगे, वो है अप्रैल एंड सितंबर। तो वो अप्रैल में अटेंड कर सकता है या फिर सितंबर में अटेंड कर सकता है, ठीक है, एक्सेस जो पसंद करता है। दूसरी कंडीशन है, ओनली वन पर्सन विल अटेंड ए वर्कशॉप बिटवीन द वन हु लाइक्स एक्सेस एंड बी। सो एक्सेस एंड बी के बीच में एक आदमी अटेंड करता है, या तो एक्सेस पहले आ सकता है फिर वो आदमी आएगा फिर बी आएगा, या बी पहले आ सकता है और वो आदमी आएगा और फिर एक्सेस आ सकता है। तो ऑर्डर में पता नहीं कि एक्सेस पहले आएगा या बी पहले आएगा, इसीलिए हमने दोनों यहाँ लिख दिए हैं। तीसरा है, द वन हु लाइक्स कैनरा विल अटेंड अ वर्कशॉप इमिडिएटली बिफोर बी। सो जो कैनरा को पसंद करता है यानी कैनरा बैंक को, वो बी से पहले अटेंड करेगा। तो पहले कैनरा आएगा फिर बी आएगा। ओनली थ्री पीपल विल अटेंड ए वर्कशॉप बिटवीन द वन हु लाइक्स एक्सिस एंड एसबीआई। सो एक्सिस एंड एसबीआई के बीच में ओनली थ्री पीपल है, तो वन टू थ्री और यहाँ एसबीआई आ जाएगा, या फिर एसबीआई पहले हो सकता है एंड वन टू थ्री एक्सिस बाद में हो सकता है। H will attend a workshop immediately after B. So B के बाद H workshop attend कर रहा है, तो इसको हम box में डाल देते हैं और इसको भी डाल देते हैं box में ताकि थोड़ा confusion ना हो। Only three people will attend a workshop between H and G. Same H and G के बीच में भी तीन लोग हैं, अगर H पहले आता है या फिर G पहले आता है तो तीन लोग यहाँ हैं। The one who likes PNB will attend a workshop immediately before G. So PNB G से पहले है, so G यहाँ आ जाएगा और ये fixed है तो इसको भी box में डाल देते हैं। Condition 8 लेते हैं, The one who likes ICICI will attend a workshop immediately before the one who likes yes. So ICICI yes से पहले आ रहा है। सो ये ICICI यस है और ये भी फिक्स पोजीशन है तो इसको भी बॉक्स में डाल देते हैं। ई विल अटेंड ए वर्कशॉप इमिडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स यस। सो ई से पहले यस है, सो यस यहाँ आ गया और ई बाद में है, ये भी फिक्स पोजीशन है तो बॉक्स में डाल देते हैं। सी विल अटेंड ए वर्कशॉप इन ए मंथ विच हैज़ ओनली 30 डेज। सो सी उसमें अटेंड करेगा जिसमें 30 डेज है और जैसे मैंने बताया कि कौन से वो मंथ है, अप्रैल एंड सितंबर।
सो सी अप्रैल में अटेंड कर सकता है या फिर सितंबर में कर सकता है। और आखिरी कंडीशन है एफ़ डज नॉट लाइक कैनरा, सो एफ़ को कैनरा पसंद नहीं है। ठीक है, तो यह सारी कंडीशंस हमने लिख दी है, अब हम इससे पज़ल सॉल्व करते हैं। तो हमने सारी कंडीशंस जो यहाँ पे थी पेस्ट कर दी है 1 से लेकर 11 तक, और हम एक टेबल बना लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो टेबल में हमें जो चीज़ें फिक्स दी गई हैं वो यहाँ पे मंथ फिक्स हैं, तो हम मंथ यहाँ पे लिख देते हैं, ये पहला मंथ हो जाएगा, और मंथ है यहाँ पे जैन, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो ये हमें जो मंथ है ये पता है, लिख देते हैं हम यहाँ पे, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे पर्सन, कौन कौन से पर्सन यहाँ पे आएंगे और ये कौन कौन से बैंक को लाइक करते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन लेते हैं कि एक्सेस जो है वो अप्रैल या सितंबर में हो सकता है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्सेस या तो अप्रैल में हो सकता है या सितंबर में हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सेस की दो कंडीशन यहाँ बन रही है। दूसरी कंडीशन है कि एक्सिस और बी के बीच में एक स्पेस है, तो एक्सिस अगर पहला कंडीशन में यहाँ लेते हैं तो एक स्पेस छोड़ के बी यहाँ आ सकता है, एक स्पेस छोड़ के बी यहाँ आ सकता है। और मान लीजिए एक्सिस यहाँ है तो एक स्पेस छोड़ के यहाँ तो नहीं आ पाएगा, यहाँ बी को आना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी कंडीशंस ज़्यादा बन रही है, तो हम एक डायग्राम और बना लेते हैं, और हमने एक डायग्राम और बना लिया है, और इसमें भी हमें पूरा लिखना पड़ेगा। तो जैन, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड दिसंबर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। और एक्सिस पहली कंडीशन में मान लेते हैं एक्सिस यहाँ पर है, और दूसरी कंडीशन में मान लेते हैं एक्सिस यहाँ पर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये दो कंडीशन बन रही है इसीलिए हम इसको दो डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, दूसरे में है कि एक्सिस और बी के बीच में दो स्पेस है, तो एक्सिस और बी के बीच में दो स्पेस है, यानी बी यहाँ आ सकता है, बी यहाँ आ सकता है, और दूसरे में बी यहाँ नहीं आ पाएगा तो बी को यहाँ आना पड़ेगा एक स्पेस छोड़ के। ठीक है, ये हम एक्चुअली थोड़ा बाद में भी करते हैं। फोर्थ कंडीशन हम लेते हैं एक्सिस और एसबीआई के बीच में तीन स्पेस हैं, तो पहली कंडीशन में एक्सिस यहाँ पर है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं कंडीशन वन और ये कंडीशन टू। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो फोर्थ कंडीशन में हमने देखा कि एक्सिस और एसबीआई के बीच में तीन स्पेस है, तो एक्सिस यहाँ बनाते हैं तो एसबीआई यहाँ नहीं आ पाएगा, तो तीन स्पेस छोड़ के 1 2 3 एसबीआई यहाँ पे आ जाएगा। इसी कंडीशन में हम यहाँ पे आते हैं, एक्सिस यहाँ है तो एसबीआई यहाँ नहीं आ पाएगा, इसलिए 1 2 3 स्पेस छोड़ के एसबीआई को यहाँ आना पड़ेगा। कंडीशन फाइव में हम जाते हैं, बी और एच साथ में है और बी के आगे एच है, सो हम कंडीशन वन में हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बी की पोजीशन यहाँ पर दो प्लेस छोड़ के यहाँ हो सकती है, एक प्लेस छोड़ के और यहाँ पे हो सकती है, नीचे लिख देते हैं हम। लेकिन कंडीशन टू में बी की पोजीशन फिक्स है तो एच यहाँ बना देते हैं हम। कंडीशन सिक्स में हम आते हैं कि एच और जी के बीच में तीन प्लेस है, सो एच यहाँ पर है, सो जी इधर नहीं आ सकता, तो दो थ्री प्लेस छोड़ के 1 2 3 जी को यहाँ आना पड़ेगा। और कंडीशन सेवन में दिया है कि जी के पहले पीएनबी है, तो जी के पहले पीएनबी यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, तो पीएनबी नहीं आ पाएगा यहाँ पे, इसलिए ये कंडीशन गलत है, कंडीशन वन ही हमारा करेक्ट कंडीशन है। ओके, तो अब हम दोबारा कंडीशंस को पढ़ते हैं। कंडीशन टू और थ्री को लेते हैं हम, एक्सिस और बी के बीच में एक स्पेस है, सो एक्सिस यहाँ है तो बी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, लेकिन उसके नीचे ही दिया है कि कैनरा बैंक बी से पहले है, सो बी यहाँ है तो कैनरा बैंक यहाँ पे नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, सो बी को इधर ही आना पड़ेगा और कैनरा बैंक इससे पहले आ जाएगा। ओके, सो बी हो गया हमारा, ये टू हो गया, ये भी हो गया, बी और एच साथ में है और एच पीछे है, सो एच यहाँ पर आ जाएगा। एच और जी के बीच में थ्री प्लेसेस हैं, सो एच यहाँ है, सो 1 2 3 जी यहाँ पे आ जाएगा।
पीएनजी और जी साथ में है और पीएनजी पहले है, तो पीएनजी यहाँ पे आ जाएगा। आईसीआईसीआई यानी यस साथ में है और आईसीआईसीआई पहले है। सो हमें दो प्लेस देखने पड़ेंगे कहाँ खाली है। दो प्लेस यहाँ खाली है और आईसीआईसीआई पहले है और यस बैंक बाद में है। सो ये भी हो गया है। यस के बाद ई है, यस यहाँ है तो ई यहाँ हो जाएगा। सी 30 अप्रैल या सितंबर में है। सो अप्रैल यहाँ है और सितंबर यहाँ है, तो सी इन दोनों प्लेस पे आ सकता है, लेकिन यहाँ पे एच है तो सी को यहीं पे आना पड़ेगा। एफ को कैनरा बैंक नहीं पसंद है, तो कैनरा यहाँ है तो एफ यहाँ नहीं आएगा, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे जो बचा हुआ है हमारा डी वो आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो बचा हुआ बैंक है HDFC वो आ जाएगा। ओके तो इस तरह से पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। आइए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस एक शुरू में जो कंडीशंस है वो हमें चेक करनी है, उसके बाद एक बार सेट हो जाता है कि कौन सी कंडीशन आएगी, तो उसके बाद इजी इजी है, सीधे स्टेप बाय स्टेप आ जा रहा है ये। ओके चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमने सॉल्व किया था वो यहाँ पेस्ट कर दिया है ताकि हम उसको देख के आसानी से सवाल सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर वन पढ़ते हैं। हाउ मेनी पीपल विल अटेंड ए वर्कशॉप बिटवीन द मंथ्स इन विच जी एंड डी विल अटेंड ए वर्कशॉप। सो जी और डी के बीच में ओनली ये सी है, सो ओनली वन जो अटेंड करेगा वर्कशॉप, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन टू लेते हैं। एज पर द गिवन अरेंजमेंट जी इज रिलेटेड टू कैनरा एंड बी इज रिलेटेड टू SBI। सो जी कैनरा से जुड़ा हुआ है और बी SBI से जुड़ा हुआ है। फॉलोइंग इज सर्टेन पैटर्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज डी रिलेटेड टू द फॉलोइंग द सेम पैटर्न। सो यहाँ पर हमें बताया गया कि जी कैनरा से जुड़ा हुआ है, बी SBI से जुड़ा हुआ है एक पैटर्न की तरह। तो क्या पैटर्न है वो देखिए, जी जो है एक प्लेस छोड़ के कैनरा से जुड़ा है, बी सेम एक प्लेस छोड़ के SBI से जुड़ा है। सो डी भी है एक प्लेस छोड़ के यस बैंक से जुड़ेगा। ठीक है, सो हमारा आंसर है यहाँ पर ई यस बैंक। क्वेश्चन थ्री लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ मंथ इन विच एफ विल अटेंड ए वर्कशॉप। सो एफ देखिए कहाँ पर है, ये कौन से मंथ में अटेंड करेगा, ये जनवरी में करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ पीपल हु विल अटेंड ए वर्कशॉप इन मार्च एंड दिसंबर रिस्पेक्टिवली। सो मार्च और दिसंबर में कौन अटेंड कर रहा है वो हमें निकालना है। सो मार्च में जी अटेंड कर रहा है और दिसंबर में ई अटेंड कर रहा है। सो जी ई हमारा आंसर है। सो देखिए कहाँ है जी और ई, ये ऑप्शन नंबर ई में है, जी एंड ई। आइए आखिरी सवाल लेते हैं इस वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डस जी लाइक। सो जी कौन से बैंक पसंद कर रहा है, जी पसंद कर रहा है HDFC बैंक। सो ऑप्शन नंबर डी HDFC बैंक करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारा चैनल प्रेप इंडिया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।